अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मेरा बेटा, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का टॉपिक हम लोग मेरा बेटा कर रहे थे, और आज हमने इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं मेरा बेटा वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट थी। अब हम मेरा बेटा बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6:40 आप लोगों की जो फिजिक्स की क्लास है मेरे बच्चे वो स्टार्ट हो जाती है। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, लाइबा मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं मेरे बच्चे। जी फिजा बेटा, वालेकुम सलाम। जी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं ताकि हम स्टार्ट करें अपना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। और इसी के साथ साथ मेरा बेटा कल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारा मेरा बेटा आज का टॉपिक होगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले मेरा बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, और आज हमने पढ़नी है वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी वेक्टर प्रोडक्ट को मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी बच्चे स्टार्ट करें। अब डेफिनेशन की बात करूं, जैसे कल स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात की थी, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात भी करेंगे। जरा ध्यान से मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली ये बात की जाती है कि जब ए और बी का क्रॉस लिया जाता है और हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जी सनाउल्लाह, इसे मेरा बेटा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जो नया वेक्टर बनेगा जरी सी बात है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द अनिला बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा बेटा कल बता दिया था परपेंडिकुलर में आपके पास जीरो आता है, आई डॉट जे जे डॉट के या के डॉट आई की बात करें तो वो जीरो होता है। जी बच्चे तो अब आते हैं मेरा बेटा डायग्राम पे। मेरा बेटा सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, वेक्टर ए और ये आपके पास मेरा बेटा वेक्टर बी, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है मेरा बेटा वो थीटा है। और यहां पे जो एन यूनिट वेक्टर है ना मेरा बेटा, ये हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जो भी वेक्टर एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं अपनी यहां पे, तो सबसे पहले मेरे बच्चे आप लोग यहां पे जो यूज करोगे वो राइट हैंड रूल यूज करोगे। जी साइन थीटा एन जो न्यू वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा उसके साथ हम एन यूनिट वेक्टर लेते हैं, और एन यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जी मेरा बेटा ए क्रॉस बी करेंगे, ए बी साइन थीटा एन आता है। जज़ाकअल्लाह मेरा बेटा, ए बी साइन थीटा एन, एन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। जी बेटा अनिला, आप
क्या पूछना चाह रहे हो? स्कॉलरशिप GCU से लिया था, PU से तो खैर नहीं मिला, PU में तो पूरी पूरी फी देनी पड़ी। जी मेरे बेटे, तो अब ए बी साइन थीटा एन एक्चुअली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये चीज कैसे आती है। जैसे कल हम लोगों ने ए बी कॉस थीटा देखा था। मेरा बेटा सबसे पहली बात तो ये, जब ए और बी का क्रॉस लिया जाएगा तो मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल क्या चीज होती है? राइट हैंड रूल ये होती है मेरा बेटा, आप अपने हाथ राइट हैंड को कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ एंगल में जिस तरफ आपने क्रॉस लेना हो, ए क्रॉस बी लेना है तो अपने हाथों की उंगलियों को इस तरफ मोड़े, ए क्रॉस बी, ये जो थंब है ये इंडिकेट कर रहा होता है डायरेक्ट थर्ड वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस रूल के अकॉर्डिंग लेंगे? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड रूल ये कहते हैं कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर उस तरफ लेके जाए, ए से बी जाना, ए क्रॉस बी, तो ए डॉट बी। अब ये जो थंब है जो मेरा बेटा आउटपुट आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड वेक्टर को जो ए और बी को मल्टीप्लाई क्रॉस लेने से है। तो हमारे पास मेरा बेटा यहां पे जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी हमारे पास मेरा बेटा ये आ गया, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से। अब मेरे बच्चे, अब अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी क्रॉस ए, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ये आएंगी, अब थंब डाउनवर्ड चला जाएगा या, तो अब ये आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा बी क्रॉस ए अगर किया जाए तो, बी क्रॉस ए किया जाए तो। अब मेरे बच्चे ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास थर्ड वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप ये बात नहीं कर सकते कि दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, इट मींस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। जी मनाहिल बेटा, जब ए और बी का प्रोडक्ट लिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। वो रूल ये कहता है कि जिस तरफ आपने प्रोडक्ट लेना हो ए से बी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर उस तरफ लेके जाएं, आपका जो अंगूठा है, थंब है, ये इंडिकेट करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर आया, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, और थंब मेरा बेटा आउटवर्ड आ रहा है। अब इसको इस डायरेक्शन में तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपवर्ड लाइन लगा दी। इसी तरह मेरा बेटा मिनाहिल, जरा ध्यान से सुनिएगा, मिनाहिल बेग जिन्होंने कहा कि समझ नहीं आई, उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी से ए की तरफ आता हूं, तो जहरी सी बात है कर्लिंग ऑफ द फिंगर जब इस तरफ लेके आऊंगा तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहां से ये चीज पता चलती है कि ए से, ए का बी के साथ क्रॉस लें और बी का ए के साथ क्रॉस लें, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान ऐसी प्रोडक्ट होती है जब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो थर्ड क्वांटिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट था, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मेरा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। जी मेरे बेटे, अब यहां तक ये पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने साथ ही बता दी। एग्जांपल में मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में टॉर्क एग्जांपल है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, एंगुलर मोमेंटम इसकी एग्जांपल है। चले मेरा बेटा, अब बात करते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो,
चलो कहते हैं स्टार्ट से दोबारा करवा लें। अगर दो वेक्टर्स मेरा बेटा पैरेलल हो, पैरेलल ए एंड बी, मैंने कल भी बताया था जब दो वेक्टर्स के दरमियान पैरेलल की बात की जाए तो एंगल क्या होगा मेरा बेटा, जीरो डिग्री। एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री। जब दो वेक्टर्स के दरमियान ये बात की जाए कि दो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, मेरा बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे कल हम लोगों ने ए डॉट बी कहा था, आज ए क्रॉस बी। जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। थर्ड वेक्टर, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से तीसरा वेक्टर आया, वो किस डायरेक्शन में होगा, किस समत में होगा, उसके लिए हम एन एन यूज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल मेरा बेटा कैसे हमें बताता है कि ए क्रॉस बी करना है, ए से बी की तरफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर लेके जाएं, आपका जो अंगूठा है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। तो यहां पे मेरा बेटा ये आउटवर्ड आ रहा है, इट मींस कि आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड को आप मेरा बेटा यहां पे नहीं लिख सकते। वॉइस को कोई इशू है, जी मेरा बेटा क्या वॉइस का इशू है, जी मेरा बेटा आप बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है, चलो मेरे बेटे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन, ये तीसरा वेक्टर जो बना उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने उसके साथ एन यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब जब हमने देखा ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, बी क्रॉस ए की बात करें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहां से हमें यह बात पता चली कि ए का बी के साथ क्रॉस ले या फिर बी का ए के साथ क्रॉस ले, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो मेरा बेटा हमारे पास ये बात की जा सकती है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है तो मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। मेरा बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें अगर वीडियो ऑडियो से स्लो है। जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अपना पेज रिफ्रेश करके देखें। अब हम बात कर रहे थे अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि अगर उनके दरमियान एंगल जीरो आ रहा हो तो ए क्रॉस बी जब लेते हैं, ए क्रॉस बी हमारे पास मेरा बेटा होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह जीरो पुट करें तो साइन जीरो की वैल्यू मेरा बेटा जीरो होती। इट मींस जब दो वेक्टर्स का, ऐसे दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। पैरेलल का मतलब जैसे कि मैं आई का आई के साथ क्रॉस लू, जे का जे के साथ क्रॉस लू, के का के साथ क्रॉस लू, एक वेक्टर का जब उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो मेरा बेटा आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। लेकिन डॉट में ये आंसर वन आ रहा था। जी मेरे बेटे यहां तक क्लियर है तो मुझे बताएं। दूसरी क्राइटेरिस्टिक की हमने बात की, फर्स्ट क्राइटेरिस्टिक थी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरी क्राइटेरिस्टिक हमारे पास आ गई मेरा बेटा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो
दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल जीरो होता है, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर मेरा बेटा जीरो आता है। सी मेरा बेटा आप कहां कौन से सर को कह रहे हैं मेरा बच्चे, मैं तो क्लास में ही हूं। चलिए जजाकल्ला मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया अगर क्लियर हो गया तो। जी बेटा ये लॉन्ग है। अच्छा बच्चे मैं इसको अब रेज करने लगा हूं। यार ना मेरा पुत्र पहले सवाल समझ लिया करो, उस तो बाद लॉन्ग ते शॉर्ट दी गल होगी। जी मेरा बेटा लाहौर, मेरा बेटे लाहौर। अच्छा उसके बाद मेरी जान हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो एंगल क्या होगा मेरा बेटा 90 डिग्री। मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो ये आएगा ए बी साइन थीटा की जगह 90, और साइन 90 मेरा बेटा आपके पास 1 होता है। इट मींस कि आपके पास जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तो मेरा बेटा आंसर आपके पास मैक्सिमम आता है। सर न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे आप भाईजान, पहले ये तो कर लें। 5 मिनट और, एग्जैक्ट 5 मिनट के। जी अगर वेरी सी बात है इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में लेके चला जाऊंगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है भाई, नेगेटिव नहीं। क्रॉस के दरमियान आप लिख सकते हो, ए क्रॉस बी के दरमियान अगर इक्वलिटी लाना चाहते हो तो जहरी सी बात है इसकी डायरेक्ट इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन उलट थी आपने उसको दोबारा फिर सेम कर दिया, तो इस तरह पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनके प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होती, नेगेटिव का मतलब ही होता है कि आप डायरेक्शन को उलट कर रहे हो। नए सेशन मेरा बेटा आप लोगों का मंडे से स्टार्ट होगा जिसमें दोबारा से फिर सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें दोबारा से फिर होंगी। अब मेरा बेटा याद ये चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता हमारे पास मेरा बेटा जो आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स के अलोंग आई की बात करते हैं, वाई के अलोंग जे की बात करते हैं, जी के अलोंग बेटा बेटा साइन 90 लो 1 आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपके पास आंसर मेरा बेटा मैक्सिमम आएगा लाइबा जुल्फकार, क्योंकि साइन 90 पे आंसर मैक्सिमम आता है। जी मेरा बेटा जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अगर दरमियान में एंगल 90 डिग्री का आएगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। वेट कीजिएगा मेरा बेटा, जी मेरा बेटा तो हम बात कर रहे थे जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो 90 का एंगल हो तो आपका आंसर मैक्सिमम आता है क्योंकि साइन 90 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, 1 को फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह 0 पे ये 0 हो रहा था मिनिमम आ रहा था, 90 पे ये मैक्सिमम आ रहा है। अब मेरा पुत्र मैंने ये बात की कि आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं मेरा बेटा आई जे के, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे के तीनों में जो एंगल आता है मेरा बेटा वो 90 डिग्री आता है। इट मींस कि अगर आप इनका जी मेरा बेटा आई जे के तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मैं जब
आई क्रॉस जे करूं या जे क्रॉस के करूं या के क्रॉस आई करूं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका इस तरह, मेरा बेटा आई जे और के तीनों को एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ले। मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब ये तीनों आपस में 90 पे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आई का जे के साथ प्रोडक्ट ले, जे का के साथ प्रोडक्ट ले या के का आई के साथ प्रोडक्ट ले, तो आंसर क्या आना चाहिए मैक्सिमम। मेरा बेटा याद रखिएगा, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, जरा ध्यान से मेरा बेटा सुनिएगा इस पॉइंट को, कि अगर मेरे बच्चे आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, आई का जे के साथ, ये एक सर्कल याद रखना मेरा बेटा, आई इस पे लिख लेना जे और इसके बाद लिख लेना के, आई से जे, जे से के, आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर मेरा बेटा आपके पास क्या आना चाहिए, के। जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आना चाहिए आई, के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आना चाहिए मेरा बेटा जे। ये चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, आई क्रॉस आई मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, आई क्रॉस जे, जे आई का जे के साथ क्रॉस लिया तो आंसर के आया, जे का के साथ क्रॉस लिया तो आंसर आई आया, आई का जे के साथ सॉरी के का आई के साथ क्रॉस लिया तो आंसर जे आ गया। अगर आप इनको उलट करते हो, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा, के क्रॉस आई तो माइनस जी हो जाएगा जी मेरा बेटा। तो ये एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो कि मुझे समझाना था कि अगर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई करें तो आपके पास इस आंसर कैसे बनता है। यहां तक मेरा बेटा आप सबको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। असी मेरा बेटा खैरियत है, मेरा बेटा आई जे के तीनों एंगल्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इट मींस के तीनों का एंगल अगर आपस में देखा जाए वो 90 90 90 है। तीनों का आंसर मेरा बेटा आपके पास क्या है, या तीनों के एंगल दरमियान में मेरा बेटा क्या है, 90 90 90 जी मेरी जान। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और इसकी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट है उसके बारे में मेरा बेटा फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे शहजादों शहजादियों मेरे बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें। जी मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है शहजादों मेरी भाइयों बहनों, और पढ़ाएं मेरा पुत्र आखिरी पॉइंट है वो इंशाल्लाह कल पढ़ लाना मनाहिल बेग। जी मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें यार। मेरा बेटा ये कौन सा न्यूमेरिकल है सर जी, मेरा न्यूमेरिकल ये देखें, जज़ाकअल्लाह मेरा बेटा। मेरा बेटा मैंने डायग्राम से, जज़ाकअल्लाह मेरे बेटे, मैंने डायग्राम से ही आपको प्रूफ करके बताया, आई डॉट जे नहीं आई क्रॉस जे की बात कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जा रही है मेरा पुत्र। जज़ाकअल्लाह मेरा बेटा। और यार ना पूछो फोन का मॉडल, मैंने आप नहीं पसंद है, मैं क्यों दसा। जज़ाकअल्लाह संजय कुमार नाला वेलकम मेरा बेटा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो।
अच्छा मेरा बेटा, ओहो कोई बात नहीं, जजाकला मेरा बेटा, चलें गुड है मेरा बेटा। सर आपने कुछ ज़्यादा ही मेरा पता है, सर तो बेइज्जती कर दियो आज, ज़्यादा अच्छा पढ़ाया मतलब इस पहले नहीं। चले मेरा बेटा खुश रहे, जीते रहे जी। नोटी करा ये देखो, सबके नाम भी ना, अपना नाम पूरा लिखा करो मेरा बेटा। खुश रहो, जीते रहो, पढ़ते रहो, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, फिर इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा मोहम्मद अहमद नज़ीर के नाम से ही सारी आईडीज़ हैं। चले मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।